Good morning, class. How are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter number 6, adjectives in our English grammar book, Great Fun with Grammar. In our previous class, we will do complete chapter number 5, and today we will do chapter number 6, adjectives. मीनिंग ऑफ adjectives. Adjectives क्या होते हैं बेटे? विशेषण. क्या होते हैं? यहाँ लिख सकते हो आप विशेषण. एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? विशेषण. क्या मीनिंग होता है बेटे? विशेषण. क्लियर है सबको? यू नो वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नोन्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और adjectives. वर्ड्स जो शब्द होते हैं टेल अस मोर अबाउट नाउन्स जो हमें किसके बारे में बताते हैं. नाउन नाउन क्या होते हैं बेटे? संज्ञा. हमने पढ़ा था ना आर कॉल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स. इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं. इसका मीनिंग होता है बेटा जो हमें संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण. क्या बोलते हैं उसे? विशेषण. क्लियर है सबको? जो हमें संज्ञा की विशेषता बताते हैं मोर अबाउट नाउन्स. नाउन्स क्या होता है बेटे? संज्ञा. जो हमें संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण. एडजेक्टिव्स टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन्स. नाउन्स की जो मतलब इट मीन्स हमें संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं शेप साइज कलर एज नंबर टेस्ट एंड हाउ समथिंग फील्स. यस हमें क्या पता किस किस चीज़ का पता लगता है इससे? शेप्स. हमारी शेप्स कैसी हैं, साइज कैसा है, कलर एज नंबर टेस्ट यानी कि स्वाद एंड हाउ समथिंग फील्स और हम उसको फील कैसे करते हैं, महसूस करना. ठीक है, जैसे हमारे को शेप कोई भी आपको शेप दी हुई है, मान लो ये क्या है? शेप है. स्क्वायर है, आपको पता लग जाएगा ये सर्कल है. हमें फील होता है ना क्योंकि हम देख के पता लगा सकते हैं कि कैसी शेप्स है. साइज़ अब किसी बुक का साइज़ बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है. क्लियर है? कलर रेड ब्लू ग्रीन अब हमारे को जो भी कलर्स हैं वो बता रहे. एज यानी कि उसकी उम्र कितनी है. नंबर्स ठीक है 1 2 3 4 जो भी. टेस्ट जो हम खा के फील करते हैं महसूस करते हैं. एंड हाउ समथिंग फील्स ये सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं? महसूस होती हैं. लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द नाउन्स. फर्स्ट पिक्चर है डैश मून डैश ट्री एंड डैश कार. यस पहली पिक्चर में क्या शो हो रहा है बेटा? मून. मून कैसा है? राइट. ट्री कैसा है? टॉल. और कार कैसी है? रेड. देखो बेटा इसने लिखा हुआ है बच्चे ने राइट मून. राइट मून कैसे? कि ये हमारे राइट साइड में है इसलिए इसको राइट मून करा हुआ है. लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे? फुल मून. एफ यू डबल एल. आप क्या लिखोगे? फुल. फुल मून लिखोगे बेटा क्योंकि ये पूरा चांद है. जैसे होता है कई चांद ऐसे होते हैं, ऐसे शेप में होते हैं ना, तो हम उसको हाफ चांद बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? हमारा फुल मून है. क्लियर है? ट्री है वो आपको देखने से पता लग रहा है वो कैसा है. टॉल है यानी कि लंबा है. कार है कौन से कलर की है? रेड कलर की. तो अभी हमने पढ़ा था ना शेप्स एज साइज जो भी है. देखो इससे हमें पता लग रहा है ये लंबा है, कार रेड कलर की है और मून फुल मून है यानी कि या पूरा बड़ा चांद है. सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यस स्काई. स्काई कैसा है? ब्लू. तो आप क्या करोगे? ब्लू पे सर्कल लगा दोगे. पेपर थिन. थिन पेपर यानी कि पेपर क्या है? पतला है. हमें महसूस हो रहा है ना, तो क्या करोगे आप? थिन पे सर्कल लगा दोगे. बिग हाउस. हाउस कैसा है? बिग. बिग यानी कि बड़ा. बिग पे सर्कल लगाओगे. हैप्पी मैन यानी कि वो आदमी क्या है? खुश है. तो आप क्या करोगे? हैप्पी पे सर्कल लगा दोगे. कोल्ड ड्रिंक. ड्रिंक क्या है? कोल्ड. कोल्ड यानी कि ठंडी. क्लियर है बेटा? तो आप कोल्ड पे सर्कल लगाएंगे. सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. स्काई कैसा है? ब्लू. पेपर थिन. हाउस बिग. मैन हैप्पी एंड ड्रिंक कोल्ड. ठीक है, नाउ मूव टू पेज नंबर 34. यस फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यस
हमने इसके क्या बताने हैं बेटा, अपोजिट वर्ड बताने हैं, ठीक है। ए माउस इज स्मॉल एंड एलिफेंट इज बिग, यस। स्मॉल का अपोजिट क्या बनेगा, बिग, तो आप लिखोगे बी आई जी, बिग। दिस रूम इज क्लीन, क्लीन क्या होता है, साफ सुथरा। और दैट रूम इज डर्टी, इसका अपोजिट बनाना है, क्लीन का क्या बनेगा, डर्टी। माई फादर इज टॉल बट माई मदर इज शॉर्ट, यस। जो मेरे पापा हैं वो बड़े हैं और मेरी मम्मा क्या है, शॉर्ट यानी छोटी है। दैट बैग इज ओल्ड, दिस बैग इज न्यू, यस। दैट बैग इज ओल्ड एंड दिस बैग इज न्यू, ओल्ड का क्या बनाएंगे, न्यू। दिस सम इज ईजी बट दैट सम इज टफ, देख एक सम ईजी होता है तो ईजी का क्या बन जाता है बेटा, टफ। क्लियर है सबको। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप छोड़ सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। द कॉफी इज, कॉफी क्या है, हॉट है, तो हम यहाँ से उठा के क्या लिख देंगे, एच ओ टी, हॉट। द स्काई इज ब्लू, बी एल यू ई, ब्लू। माई शूज आर डर्टी, डर्टी क्या होते हैं बेटा, गंदा। दिस रोज इज, रोड इज वाइड, वाइड क्या है मतलब बहुत बड़ा फैला हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, वाइड। द लाइट्स आर ब्राइट, ब्राइट क्या है, चमकदार। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती है, ठीक है। ही इज एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा करना, क्लियर है बेटा, ओके ओके बेटा।